अभी हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में खड़े हैं। विषय है 2013। हाँ जी, 2013 में राज्य सरकार ने एलडीसी की भर्ती निकाली थी। आज भी वह भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट के चक्रों में रही, नेताओं के चरणों में रही, और 2013 से दौर आ चुका है 2022 का अक्टूबर। जोधपुर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद के द्वारा यहां पर अभ्यर्थियों का सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। और यह विद्यालय राजकीय विशिष्ट पूर्व माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर है, और यहां पर राजस्थान के कोने कोने से यहां अभ्यर्थी सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए आए हैं। भले आवेदन उन्होंने 10 साल पहले किया, हो सकता है उनमें से कई लोग लग गए हों, और कई लोगों की संघर्ष की गाथा आज भी जारी है। अब हम अवलोकन करते हैं और प्रतियोगियों से बात भी करेंगे। आइए, यहाँ आप देख पा रहे हैं निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए 2013 से संघर्ष और 2022 का दौर चल रहा है। और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला, और यहाँ व्यवस्था की गई है कि अभ्यर्थियों को धूप न लगे, इसलिए सामियाना लगाया गया है। महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी है और पुरुष अभ्यर्थियों की भी संख्या है। पानी की भी व्यवस्था की गई है, और यहाँ लोग आए हुए हैं कि किस तरह आ गया, किस तरह यहाँ पर सरकारी नौकरी में चयनित होने के लिए आए हैं। हम यहाँ से बातचीत करेंगे, हम अभी दिवाली तक इनको ज्वाइनिंग देंगे, और क्या नाम है? राहुल राम जी, कहाँ से आए हुआ? उदयपुर से। एक कौन से वर्ग को मैं रहते हो? SC ST OBC SC। कितने नंबर पे है? 112 नंबर। अच्छा, कितनी पोस्ट है? तो 2013 में आवेदन किया, अभी भी संघर्ष गाथा चल रही है, क्या उम्मीद है अब सरकार से? अब हो जाए बिल्कुल। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के चरणों में रही, नेताओं के चरणों में रही, और निश्चित रूप से और जोधपुर जिला परिषद ने जिस तरह सक्रियता से भर्ती निकाली है, वास्तव में तारीख का दाखिला मनोबल से बात करेंगे। सर, क्या आप इस भर्ती में आए? क्या नाम आपका? कौन से जिले से? राजसमंद से। कौन से वर्ग से हो सर? सामान्य। सामान्य रैंक से क्या? 47। पद कितने हैं सामान्य के? 144। क्या उम्मीद है राज्य सरकार से अब 10 साल बाद? यही चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, आ रही जो समस्या। संघर्ष की गाथा बहुत लंबी, अनशन भी हुए, हड़ताल भी हुए, और के चक्कर भी पड़े। बिल्कुल, संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है? अनिल जी, कहाँ से? दोसा से। बहुत लंबी दूरी पर आए हो, जोधपुर रह जाओगे दोसा? बिल्कुल सर। अच्छा, तो कौन सी रैंक है? सर मेरी पोस्ट कितनी है? 49। तो 10 साल आप सरकारी सेवा में संविदा पर लगे हुए थे या अन्य कार्य कर रहे थे? सर, परीक्षा काटी थी हम, यानी कि इसी भर्ती के लिए हमने बार बार दिया, हमने 2-3 बार घोषणा भी की थी, और आखिरकार उन्होंने लोग जो 10 साल से इंतजार कर रहे थे बेरोजगार, उनको ये बहुत बड़ा। कभी लगता नहीं सिस्टम पे 2013 की भर्ती 2022 आ गया? कभी कभी मन में, दिल में तीस नहीं रखती? सर, हमने बहुत प्रयास किया था, हम बहुत संघर्ष किए थे इस भर्ती के लिए। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास किया था इसका, जो यानी कि हर तरीके से हम नेता मंत्री मुख्यमंत्री तक हमने इसकी दरखास्त दी थी, और CM साहब ने हमसे कहा था कि थोड़ा देर हो सकता है लेकिन हम करेंगे ज़रूर, और आखिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजस्थान में हो सकती है कोई काम करने के लिए देरी हो सकती है, लेकिन हम उसको करके जरूर दिखाएंगे। इसलिए अब आप आश्वस्त होंगे भर्ती पूर्ण होगी? बिल्कुल सर, हम आश्वस्त हैं, और हमारे जो साथी हैं जो पीछे भी हैं उनका भी मेरिट क्रमांक में पीछे नाम है। सर, ये 10,029 पदों पर प्रतीक्षा सूची आनी थी, लेकिन 4,000 पदों पर आई है। 2 चरणों में इस भर्ती को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 4 जून 2021 को। अब ये फर्स्ट चरण चल रहा है 4,000 का, बाकी जो 6,000 पद है उनको इसके तुरंत बाद, यानी कि हम मुख्यमंत्री जी फिर व्यवहार करेंगे ताकि हमारे छूटे हुए अन्य साथी को भी नियुक्ति मिल सके और उनको भी 10 साल का इंतजार पूरा हो सके। बिल्कुल, अपने साथियों की भी चिंता है जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? हनुमान जी, कहाँ से हो? जोधपुर से। तो आप इस LDC भर्ती के लिए आए हो? यस। कितने साल हो गए आवेदन किए? आवेदन किए
2013 में क्या? तो उसके बाद क्या कर रहे थे इतने साल? रोजगार सहित लगे तो उस समय भी कई लोगों को नौकरी लग गई थी, वो आपके साथ ही थे? हमारे साथ थे वो भी। तो मन में ऐसा दर्द है? डर तो होता ही था उनको देख के, अभी इनकी लग गई, हम भी पीछे रह गए। उसके बाद वो कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट से निर्णय आने के बाद वापस नहीं बढ़ती। बिल्कुल निश्चित रूप से दर्द तो होता है, घायल की गति, घायल जाने जे कोई घायल हो उस पीड़ा को तो वह व्यक्ति खुद ही महसूस कर सकता है। और लोगों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर, किस तरह यहाँ पर महिला शक्ति से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज चौधरी। सरोज चौधरी जी कहाँ से हो? मैं नागौर से हूँ। नागौर से? हाँ, बहुत खुश है। कौन से मैरिज क्रमांक पे हो आप? 41 पे। तो निश्चित माना जाए, आपको बधाई दे दी जाए। मन ऐसा नहीं लगा कि 10 साल पहले आवेदन किया था और आज इस मौके का पूर्ण रूप कभी भी नहीं कर सकते, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, पहले ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक ठाक। वो कहते हैं कि नौकरी तो लगने की उम्र उस शादी से पहले होती है, उसकी खुशी उस समय होती है। बिल्कुल, काफी संघर्ष इनका चल रहा है, और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। और महिला शक्ति भी यहाँ पर है, परिजन भी यहाँ पर। कौन से जिले से? नागौर जिला से। नागौर, कौन से रहेंगे सर? 82 है। ओबीसी में? नहीं, एस सी में। इतने साल क्या कर रहे थे सर? नौकरी कर रहे थे संविदा पर, पंचायत समिति में, मारवाड़ मुंडवा। मारवाड़ मुंडवा में नौकरी करे, बहुत बढ़िया। केकड़ी से अजमेर से आए हो, तो जनरल में हो, कौन सी रहेंगे सर? क्या उम्मीद है? हो जाना चाहिए। तो 10 साल की संघर्ष गाथा, घर पे थे या संविदा कर्मचारी? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकारों ने संविदा कर्मचारियों का जितना उपयोग लिया है, और वास्तव में अब सरकार को उन संविदा कर्मचारियों को फायदा देने का अवसर आया है, क्योंकि इनके साथ ही 10 साल पहले नौकरी लग चुके, LDC प्रमोट हो गए, UDC बन गए, लेकिन अभी भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान है। निश्चित रूप से सरकारों को, मंत्रियों को इन बात पर हमें अमल करने की आवश्यकता है कि बेरोजगार की पीड़ा का एहसास उनको जरूर होना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट। क्या नाम है? राजूराम जी कहाँ से हो? श्री गंगानगर से। तो गंगानगर से जोधपुर का लंबा सफर किया है ना? एक ही फॉरम भरा? बिल्कुल, कई ये भर्ती निकले थे सभी जिलों के लिए, और कई लोगों ने कई जिलों से आवेदन किया, और इन्होंने, इनको पता नहीं, पहले पता चल गया कि वेरिफिकेशन होगा तो मूल डॉक्यूमेंट तो जमा करने होंगे। 10 साल से क्या कर रहे थे? संविदा पर लगे हुए। अब उम्मीद अगर हो जाती है तो खुशी मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी, क्योंकि 10 साल तक सरकारों ने शोषण किया संविदा कर्मचारियों का। निश्चित रूप से कोई ऑप्शन नहीं है संविदा कर्मियों के पास, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का, जो कहते हैं यौवन काल, सरकार को समर्पित किया 8,000 रुपये, 9,000 रुपये में। और भी लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को फिलअप कर रहे हैं, किसमें क्या चीज़ चाहिए, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम आपका? मोहन सिंह जी कहाँ से आए हो? बिलाड़ा से। मोहन सिंह जी कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? 15 साल संविदा पर। अब उम्मीद सरकार से? उम्मीद बची है। निश्चित रूप से उम्मीद विश्वास पे कब होगी ये तो फाइनल लिस्ट की बताएगी। जैसे अभी CEO हमने अभिषेक सुराना से बात की, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे दिवाली से पहले इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देंगे। CEO ने हमें फैक्ट्री टीम से बातचीत में बताया, और लोगों से बातचीत करेंगे। कौन से जिले से? गाँव कौन सा? अच्छा, गाँव रतनगढ़ है। क्या उम्मीद है सरकार से? उम्मीद सरकार से तो खूब है, 4,000 पोस्ट अभी इन्होंने भर्ती की है, और 10,029। अशोक गहलोत जी के आपके माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन इसमें सरकार का जो प्रशासनिक ढांचा है उसने सही काम नहीं किया। कैसे? इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे अब जिला परिषद जोधपुर ने काम किया है, ऑन द टाइम किया है, बिल्कुल, लेकिन बहुत सी जिला परिषद है जिन्होंने अभी तक नहीं की, बिल्कुल, इससे अभ्यर्थियों में भगदौड़ की स्थिति मची हुई है, और उससे क्या है कि जो जेन्युइन केस जहाँ जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं जा पा रहा है, ये मूल और इसकी एक बड़ी समस्या है। दूसरी, पिछली बार इन्होंने किया था कि मूल दस्तावेज नहीं लिए तो लोग ज़्यादा जगह गए, उनको विकल्प ज़्यादा मिले। इस बार हो सकता है इनकी कोई पॉलिसी रही हो, लेकिन मूल दस्तावेज अगर जमा कर रहे हैं
तो फिर लिस्टें भी तो ढाई गुना नहीं निकलनी चाहिए, ये कमी रही है इसमें इस बार। एक गुना की लिस्ट आनी चाहिए, एक गुना की लिस्ट आनी चाहिए, उससे श्योर और सर्टेनिटी हो जाती है कि भाई मेरा दस्तावेज जो है वो जोधपुर में मैंने जमा करा दिया, मैं जोधपुर नौकरी करूंगा, नौकरी करूंगा। इस बार कमी रही, बिल्कुल निश्चित रूप से कमी रही है कि दो गुना ढाई गुना उम्मीदवारों को बुलाकर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेना निश्चित रूप से बेरोजगारों के साथ ये एक नाइंसाफी है। देखते हैं परिणाम क्या होता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे किस तरह यहाँ महिला शक्ति, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। एक महिला है, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है? ऐसे शर्मा रहे हो, LDC पद पे लगोगे कैसे काम चलेगा? क्या नाम है? मंजू, कितने साल से संघर्ष की गाथा चल रही है? इधर मुंह कर लीजिए। 15 साल से। अब क्या उम्मीद है? परमानेंट। कितनी कौन सी रैंक है? सामान्य में 27 है। पद कितने जोधपुर में सामान्य के? 44। निश्चित तौर पे इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और अगर इनका होता है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह राज्य सरकार ने 10 साल भर्ती के लिए लगा दी वैसा कार्य नहीं करेंगे। निश्चित रूप से सरकारों के विकल्प पे नहीं चलेंगे, खुद लोक सेवक बनकर जनता की भूमिका निभाई सेवा की। एक युवा और हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमृत चौहान। कहाँ से हो? जोधपुर से। तो जोधपुर के, जोधपुर में कौन सी रैंक है? 80 में से वो नंबर। पोस्ट कितने? 66 है। तो आपको बधाई दे दें। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकारी सेवा में चयनित होने की जो खुशी होती है और निश्चित रूप से भारतीयों में बहुत ज़्यादा होती है। और निश्चित रूप से हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कमियां रही, क्या सिस्टम में कमियां रही, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? कपूर। हम कौन से जिले से आए हो? नागौर से। कौन से पद पे? LDC। तो अभी कौन सी रैंक पे हो अभी यहाँ पर? नहीं तो LDC में परमानेंट हो आप? अभी कौन सी रैंक है? अभी रैंक कौन सी है अभी? OBC में। 80 में। बिल्कुल निश्चित तौर से यहाँ पर जिस तरह भीड़ सरकारी नौकरी के लिए और राज्य सरकार के सिस्टम पर, ये सवाल या निशान 10 साल बाद, छोटा समय नहीं होता 10 साल, और 10 साल के बाद में यहाँ पर भर्ती का दौर शुरू है। 10 साल के बाद में भी आप देख पा रहे हैं बेरोजगार कंकड़ पर बैठ कर अपना डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, फाइलें फिल अप कर रहे हैं, कागज भर रहे हैं। साबित करता है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोकतंत्र नहीं साहब। 10 साल के बाद भी नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, इसे लोकतंत्र नहीं कहते, इसे लठतंत्र कहते हैं। कि जैसी मर्जी सरकारों की, वैसे बेरोजगारों का शोषण, कभी 5,000 में संविदा कर्मियों का, कभी 9,000 में और कभी 10,000 में, फिर भी एक उम्मीद की जोत लगाए हुए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है? सर क्या नाम है? गुटखा खा रहे हैं इसलिए थोड़ा बच रहे हैं। निश्चित रूप से हम यही उम्मीद करेंगे नशा मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। सर क्या नाम है? राजेश जी, बाड़मेर से हो? तो बाड़मेर में वैकेंसी नहीं निकली? नहीं, बाड़मेर में निकली सर, वहाँ वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं हुई। तो जोधपुर में पोस्टें ज़्यादा थी? हाँ, पोस्टें ज़्यादा भी थी और यहाँ पे जल्दी निकाल दी गई थी। संविदा पर काम कर रहे हो? संविदा पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम रोजगार समिति बाड़मेर देखा सा ही? नहीं, रोजगार सही। रोजगार सही। कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया 10 साल पहले फॉर्म भरा, आज भी उस नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही है, ऐसा मन में कभी? सर ऐसा तो खूब आया मन में, अब 2007 से हम लगे हुए हैं, तो हमने 2013 में सब फॉर्म भरा था, तब भी हमारी उम्मीद थी कि हमारा नंबर आ जाएगा। और उस समय आपके साथ ही लगे भी? हाँ लगे हैं, 2013 में लगे थे। उसके बाद में हमने भी, हमारा संघ ने भी संघर्ष किया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी लाया 16 में, फिर 17 में वेटिंग लिस्ट भी निकाली, फिर उसके बाद में 19 में भी कैलेंडर जारी किया था, फिर पोस्ट पे रोक दिया गया, फिर उसके बाद में थोड़ी कोरोना आ गया, फिर हमारे को उम्मीद जगी सरकार से मिले, फिर सरकार ने दोबारा ये 4,000 पोस्टों का घोषणा की, फिर घोषणा के बाद में अभी हमारे को नियुक्ति देना शुरू किया है। मतलब एक उम्मीद बची है आपको? उम्मीद बची है अभी। अब लोगों के कौन सी रैंक है अभी हमारी? SC में। रैंक कौन सी है? SC में 93। निश्चित रूप से क्या कहें हम, बार बार कह रहे हैं 10 साल के बाद, 10 साल पहले भर फॉर्म भरे थे और इन संविदा कर्मचारियों का पेमेंट आपको मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सरकारी कर्मचारी भत्ते की बात करते हैं और इनका जो भत्ता होता है उनको भी नहीं मिल पा रहा, 8,000, 9,000, 7,000 में इन्होंने अपने जीवन का वह समय दिया जो बुलंदियों का समय होता है, जो ऊंचाई छूने का समय होता है। निश्चित रूप से हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्या हम वास्तविक लोकतंत्र में रह रहे हैं, क्या हम वास्तविक
संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये सरकारों से सवाल है मेरा, ये मंत्रियों से सवाल है, ये नौकरशाह से सवाल है। क्या 10 साल एक व्यक्ति एक रोजगार के लिए एक गवर्नमेंट में अप्लाई करने के बाद, नंबर आने के बाद भी वो वेटिंग में रहता है? ये सवाल है सिस्टम से, विचार जरूर कीजिएगा अपनी आत्मा से। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? क्या नाम है सर? मुकेश। कहाँ से आए हो सर? कौन से रहते सर? सामान्य में फर्स्ट में एक नंबर पे आपका। अच्छा, इसमें से फर्स्ट हो तो निश्चित रूप से काफ़ी लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और भगवान से और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, और उसका ग्राउंड में लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। फॉरम भी बनेगा। बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मिथिले जी। कहाँ से हो? करौली से। संविदा पर कार्य कर रहे हो या फिर? अरे सर, कितने साल पहले आवेदन किया? कितने साल क्या कर इंतजार इंतजार कर रहे थे? कभी मन में ऐसी चीज़ नहीं होती 10 साल पहले की बात अभी भी पूरी नहीं होती? कभी सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है? लेकिन हमारे पास भी उपाय नहीं, क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से सर आप उनके साथ आए हो, क्या लगता है? क्या करते हैं? प्राइवेट निश्चित रूप से अपनी पत्नी के साथ आए हैं, अपने फेरे के वचन निभा रहे हैं कि पत्नी के सहयोग करेंगे और पति का भी सहयोग पत्नी करेगी। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी भर्तियां राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं हो, जहां 10 साल का इंतज़ार करना पड़े बेरोजगारों को। और ये दर्द मंत्री नहीं जान सकता, मुख्यमंत्री नहीं जान सकता, एक कलेक्टर नहीं जान सकता, क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इन्होंने मन की हार हारी है, मन की जीत भी इन्होंने जीती है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। लोग फॉर्म भर रहे हैं और निश्चित रूप से और बातचीत करेंगे। मैं एक मातृशक्ति से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अंजलि जी। कहाँ से हो? चौधरी से। 10 साल पहले आपने आवेदन किया था LDC के 2022 में। निवास करते हैं जहाँ एक भर्ती के लिए आवेदन 10 साल लगे तभी भर्ती को मिले। तो ऐसे मन में टीस नहीं रहती, गुस्सा नहीं आता, कोई उपाय नहीं है? तो अभी सुविधा पर लगे, सुविधा पर हो या केवल नहीं आवेदन किया? कौन सी रेंज से? जनरल में। जनरल में पोस्ट कितने जनरल में? तो आपको शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये भर्ती पर सवालिया निशान है। और इस बालिका का, बेटे का 10 जो जनरल में रैंक है, 28वीं रैंक है, और निश्चित रूप से सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। एक मातृशक्ति और है। क्या नाम है? कहाँ से? बाप से। बाप से हो? संविदा पर लगी हुई अप्रैल 10 साल पहले का छोड़ दिया। अनुभव के अंक मिल गए? कितने अंक मिले? 30 अंक मिले। छोड़ा प्रॉब्लम से? कितने सालों से आपने इसका इंतजार कर रखा है? 10 साल हो गए। अब क्या उम्मीद है? कौन सी रैंक है? अब तो आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, विश्वास है? विश्वास पे तो आए। अच्छा, रैंक कौन सी है? रैंक 13 नंबर जनरल में। जनरल। और पोस्ट कितनी है? 44। निश्चित रूप से जनरल में 13 रैंक पर है। और कहा है कि आएगा ही, अब तो एक विश्वास बचा है। और विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी है। और वैसे सरकारों पर हमने 10 साल विश्वास किया। मन में अजीब गरीब ख्याल नहीं आता कि हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं? विचार नहीं है कभी? शिक्षित है हम लोग, विचार है? विचार का क्या करें, जब होगा तब होगा, वही है, हमारे हाथ में नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, फिर भी हमारे हाथ में नहीं है। सरकार के हाथ नहीं, लोकतंत्र है, फिर भी हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हम चुन कर भेज देते हैं लेकिन वापस बुलाने का राइट समय नहीं है, राइट टू रिकॉल नहीं है हमें। बिल्कुल निश्चित रूप से ही हम एक बस बात और चीज करेंगे। क्या नाम है सर? हनुमान जी। कहाँ से? बाड़मेर से। बाड़मेर से आए हो, पाकिस्तान बॉर्डर से आए हो आप। क्या कहना चाहेंगे
उम्र होती है नौकरी लगने की और 10 साल जब आवेदन किए हुए हो जाते हैं और जब भर्ती नहीं होती है तो मन में जो पीड़ा है उसको कैसे अभी क्या सर बोझला सर कौन से पंचायत से बाढ़ हमारे साथ में जोधपुर जिला के जिला अध्यक्ष है जिन्होंने इस भर्ती के लिए संघर्ष किया आंदोलन किए भूख हड़ताल की प्रताप जी हमारे साथ है सर नमस्कार क्या खुशी है कि आज आपके आंदोलन आपकी पूरी टीम का जो आंदोलन थे उनको थोड़ी सी हवा मिली है खुशी मिली है बिल्कुल पूरी जितना हमने संघर्ष किया था उस संघर्ष का फल आज हमारे को प्राप्त हुआ है और मैं आभार जताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्री जी का और अधिकारियों का जिन्होंने इस भर्ती को पुनः जो मृत हो चुकी थी उनको जीवित करके 4000 लोगों को जिनके घरों में दीपावली से पहले खुशियाँ जाएगी तो उनका मैं बहुत बहुत आभार जी कौन से गाँव से लोग मैं पंचायत समिति तिवरी है ग्राम चौपाटी चारणा है प्रताप जी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया इस तरह भर्ती आज तक नहीं आया मेरे मन में एक ही था कि इस भर्ती ये भर्ती बिल्कुल कभी मन में ऐसा नहीं आया कि होगी नहीं 100% होगी मेहनत आखिर रंग लाती है मेहनत भगवान के कर दे रहे अंधेर नहीं अभी जितनी जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा अभिषेक सुराना जी भी आपको आपने संघर्ष के लिए आपको कह रहे थे कि आपने संघर्ष किया और आज इस संघर्ष की रूपरेखा हमें दिखाई दे रहे हैं और हमने भी जब अभिषेक जी से बात की तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे दिवाली से पहले इन चेहरों पर खुशी मिले माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एडवांस रहे पूरा राजस्थान बिल्कुल सबसे टॉप जिला जोधपुर है जो भी आदेश जारी हुए जो भी जो कैलेंडर के हिसाब से जो कार्य होना था सबसे पहले जोधपुर ने किया मतलब मुख्यमंत्री का गृह जिला है आदेश की पालना हो रही है 100% पालना हो रही है पहल करके सबसे पहले मतलब निकाली और सबसे पहले काम हुआ है तो सबके मतलब आभार आभार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हमारा चैनल FM 10 आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब